गाइस कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से। मैं हूँ कामरान अली, आप देख रहे हैं YouTube चैनल कामरान अली टीवी। एक नई वीडियो से आप के जोन में दोबारा हाजिर है और मेरे साथ हैं। ठीक है अमर गाइस, कैसे हैं भाई साहब। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक फर्स्ट क्लास होंगे। गाइस जिस वीडियो को आज हमने सेलेक्ट किया है रिएक्शन के लिए, उसका टाइटल है बांद्रा बैंड स्टैंड प्रोमिनेड इन, मुझे लगा कोई हिंदी का नाम है, प्रोमिनेड इन 4K पॉपुलर हैंगआउट स्पॉट इन मुंबई। और ये वीडियो ली गई है डोजो वीडियोस चैनल से। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम अकाउंट्स, वही सारी बातें जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोबारा करेंगे चैनल चलेंगे। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, स्टार्ट करते हैं। इसमें म्यूजिक है, कोई बात बात अगर मेरे ख्याल करेंगे नहीं तो हम फिर साथ साथ एंजॉय करना है। इस वीडियो को एंजॉय करना पूरी तरीके से नजारे को। बैंड स्टैंड पे ही है ना सलमान खान का घर शायद। सलमान खान है शाहरुख खान का? सलमान खान का सुना है। बिल्डिंग का डिजाइन बड़ा कैसा अजीब सा, नहीं कहते एक अलग ही था। शाहरुख खान का घर, लोग बाहर खड़े लगे तस्वीर पिक्चर ले रहे हैं सेल्फिया, घर के बाहर खड़े हुए शाहरुख खान की जो लगी होती नंबर प्लेट वो नाम प्लेट लगी होती ना उस पे। हेलो यार, संग का नजारा होता है ना इस टाइम, मतलब सुबह गया है शाम गया है। अरे लोग जाए कपल्स अंदर जाके बैठ गए यार। यहाँ सब सुन सपाटे में लगे हैं, कोई वॉक कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब अपनी धुन में अपनी धुन में मसरूफ है। और इसमें ये नहीं है एग्जिस्ट यंगस्टर भी हैं, सब अपने अपने हिसाब से अपनी जगह पे। समुंदर के उस पर ना जॉगिंग वगैरह करना भी बहुत एक मजा आता है बंदे को, एक तो नजारा बड़ा खूबसूरत होता है वहां। ट्रैक बनाया बहुत अच्छा बना हुआ है, इसे आने जाने के लिए बंदा वॉक भी कर सकता हूँ। अच्छी जगह
सन यानी कि ढल गया। मुंबई की ये वाली जगह है ना, शोर शराबे से इससे जो ना मैं बताऊँ कोई ऐसा नहीं आ रहा है, इसमें कोई आता है ना बैक साउंड भी आता है। नहीं वो ये भी है, वो म्यूजिक लगा है, सुना भी है, देखा भी है, का थोड़ा पोश एरिया है, थोड़ा नहीं ठीक ठाक पोश एरिया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ उस तरह का रश और वो थोड़ी होगा, थोड़ा बहुत होगा सही। वो म्यूजिक सुनने एडजस्ट कर लेकिन म्यूजिक वैसे वो नहीं आ रहा। ऑब्वियसली ट्रैफिक का रश तो होगा, आवाजें वगैरह तो होंगी। अच्छी जगह, खूबसूरत जगह, खूबसूरत सुकून वाली जगह, वीडियोस देख मतलब देखने से ही लग रहा है। रशी रशी इलाका होता है, बहुत ज्यादा रश हो रहा होता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है, नो डाउट मुंबई में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, लेकिन ये कोई ऐसा इलाका है जहाँ पे जाने के थोड़ी सी कम ट्रैफिक है यहाँ पे, यानी शॉर्ट है। हाँ इलाका बड़ा खूबसूरत है, और जैसे आपने कहा पोश इलाका उस तरह का लगा, महंगे महंगे यहाँ फ्लैट होंगे, घर जो रहते हैं बीचेस के पास तो वैसे भी ज़्यादा महंगे होते हैं। पास मुंबई आप इससे अंदाजा लगा ही सकते हैं। सुने आप पता नहीं किस हद तक ये बात सच है या ऐसी बात थी कि कहते हैं कि मुंबई में रहने वाले इंसान का मोस्टली लोगों का सबसे बड़ा और पहला सपना यही होता है कि मुंबई में अपना घर होगा। इवन जैसे आप देखें ना कराची में भी, कराची में लोग यही चाहते हैं कराची में अपना घर हो। जहाँ प्रॉपर्टी इतनी महंगी हो गई तो जहाँ से आसान काम नहीं इतने बड़े शहर में घर लेना, और ऐसे पोश एरिया में। वैसे गाइस ये बताइएगा, ये जो अभी बात की है कि जो भी मैंने ये बात कुछ एक दो मूवीज़ में ही सुनी थी, और जाहिर सी बात है मूवीज जो होती हैं वो रियल लाइफ से इंस्पायर हो के उनकी स्टोरी लिखी जाती है, चाहे वो सच हो या फिक्शनाइज हो। तो ये बात क्या वाकई सच है कि मुंबई में रहने वाले या मुंबई के बाहर से आने वाले लोगों का पहला सपना ये होता है कि मुंबई में अपना घर हो और प्रॉपर्टी का। अब ये क्या हम ये तो नहीं पूछेंगे कि कितने क्या रेट चल रहा है, लेकिन मतलब महंगी है सस्ती है इजीली मिल जाती है या नहीं, या फ्लैट खरीदा जा सकता है, या वाकई ये बात है कि इतना बड़ा चैलेंज है मुंबई में घर खरीदना कि लोगों का ये सबसे बड़ा सपना होता है। बाकी अगर हाँ जो मैं ये समझता हूँ, जैसे आप मैंने तो असल में ज्यादा देखें घर कम बीच ज्यादा देखा सीधी सी बात है, क्योंकि मुझे असल में ज्यादा लाइक नहीं बीच जो ना जोर ज्यादा पसंद इसलिए आया कि वहाँ पे बैठने एक तो ट्रैक अच्छा बनाया हुआ था, लोग बैठने वाले जगह थी, हम यानी अंदर लोग जाते ना अंदर वाला सीन नहीं था, तो ट्रैक बहुत अच्छा बनाया हुआ था। और दूसरी एक चीज़ इस वीडियो की जो मैं समझता हूँ जो मुझे अच्छी चीज़ लगी ना, जो सन को उन्होंने दिखाया ना और जो वो मुझे बहुत ही कमाल का लगा है सब, क्योंकि जाहिर सी बात जब आप बीच पे जाते हैं ना तो आप शाम का टाइम हो और सन जो ना ग्रुप हो रहा था उसमें कितना मजा आता है। अच्छा इस वीडियो में सॉरी भूल गया, मैंने बोला सनराइज हो रहा है, सनराइज नहीं था वो सनसेट था। सनसेट था क्योंकि मुझे अभी अचानक से याद आया कि मतलब मुंबई और कराची के समुद्रों की डायरेक्शन तो तकरीबन एक जैसी है, एक तरफ ही है। हाँ। तो अब यहाँ पे हम लोग पहले जाते थे समंदर पे, करीब ही है बिल्कुल 5 मिनट के डिस्टेंस पे, तो हम भी शाम में जाते थे जब सनसेट हो रहा होता था। तो अचानक से मेरे जहन में मैंने कहा यार सुबह तो इस तरफ से सूरज निकलता ही नहीं है। तो बहरहाल गाइस रिएक्शन हमने वीडियो के साथ साथ ही कर दिया है, और क्योंकि वो भाई साहब बोल नहीं रहे थे और हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा, क्या कमी पेशी थी हमें जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर। आखिर मैं बोलूंगा मुंबई को हमारा सलाम सलाम, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मुंबई। तो गाइस अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अगली वीडियो तक इजाजत दें, बाय बाय।